सो हे गाइस, मैं हूं नजरुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल नासन इलेक्ट्रिक टेस्ट। दोस्तों, आज हम टेबल फैन में 3 वायर में से कॉमन वायर कौन सा है तो कॉमन वायर को पहचानना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हम आपको 2 तरीके से कॉमन वायर को पहचानने का तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों, कॉमन वायर आखिर होता क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। तो कॉमन वायर वो वायर होता है जिसमें हम एक स्टार्टिंग का कॉइल और दूसरा रनिंग कॉइल का एक वायर जोड़ते हैं। जो दोनों वायर जोड़ता है वो मेरा कॉमन वायर होता है, जिस पर हम रेड कलर का वायर लगाते हैं। तो दोस्तों, हम कॉमन वायर को कैसे पहचान करेंगे? दोस्तों, अगर कोई भी वायर जैसे रेड की जगह पर ब्लू हो, ग्रीन की जगह पर येल्लो हो, ब्लैक की जगह पर कोई भी वायर हो, किसी भी वायर कोई भी कलर हो, तो हम कॉमन वायर का कैसे पहचान करेंगे? दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले कैपेसिटर ले लेंगे। कैपेसिटर लेने के बाद हम किसी भी 2 वायर में कैपेसिटर को जोड़ देंगे। एक मैंने ब्लैक में जोड़ दिया है और दूसरा हम रेड में जोड़ दिए हैं, और मैंने ग्रीन को कॉमन वायर माना है। अब हम सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा हम आपको चेक करके बताएंगे। अगर दोस्तों मेरा फैन 2 तरफ चलेगा, एक तो सीधा और दूसरा उल्टा, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा पंखा, तो मेरा कॉमन वायर ग्रीन होगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज टेस्ट लैंप में वायर को जोड़ लेते हैं। कॉमन वायर पे एक वायर जोड़ के और मैंने ब्लैक का वायर जोड़ा, तो दोस्तों मेरा पंखा गू की आवाज़ आ रही है, मतलब गूंज रही है। और दूसरा मैंने वायर जोड़ा रेड पे, तो मेरा बल्ब जल रहा है, मतलब फैन नहीं चला, ना ही एंटी क्लॉक वायर चला, ना ही क्लॉक वायर चला। तो दोस्तों, हम वायर को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। अब हम ग्रीन को कैपेसिटर लगा देते हैं ग्रीन पे, और ब्लैक को कॉमन मान लेते हैं। अब हम फिर से चेक करते हैं मेरा फैन सीधा चलता है, उल्टा चलता है कि नहीं, मतलब 2 तरफ अगर मेरा फैन चलेगा तो मेरा कॉमन वायर ब्लैक होगा। तो दोस्तों, फिर से मैंने सटाया, फिर वही बात है कि मतलब गूंज की आवाज़ आ रही है, और दूसरा पर जुटने पर बल्ब जल रहा है, मतलब मेरा कॉमन वायर ब्लैक भी नहीं है। अब हम फिर से कैपेसिटर को रेड पर से हटा के ब्लैक पर देते हैं। ब्लैक पर जोड़ लेने के बाद हम रेड को कॉमन माने हैं, तो एक कॉमन वायर में सटा लेते हैं और दूसरा ब्लैक पर मेरा बल्ब जल रहा है और ग्रीन पे भी जल रहा है। दोस्तों, फैन थोड़ा जाम है जिस वजह से नहीं चला है। हम आपको चला कर हम चेक करते हैं। अगर मेरा फैन 2 तरफ चला, पहला तो एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज, मतलब एक उल्टा और दूसरा सीधा अगर चला, तो मेरा कॉमन वायर रीड होगा। तो हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा फैन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरी वायर पर सटाने पर क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरा फैन। तो दोस्तों, मेरा कनेक्शन सही है, मेरा कॉमन वायर रीड हुआ। इस तरह से आप कॉमन वायर को पहचान कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरा टिप्स बताएंगे कॉमन वायर पहचानने का। एक फिर से एक सीरीज टेस्ट लैंप ले लेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप लेने के बाद हमें 3 वायर में एक एक करके चेक करेंगे, जिसमें मेरा दोस्तों हमें फिर से एक सीरीज टेस्ट लैंप लेना है, और सीरीज टेस्ट लैंप लेने के बाद हमें फिर से एक एक करके कॉइल को चेक करना है। जिस कॉइल पर सबसे कम बल्ब जलेगा, जिस 2 वायर पे सबसे कम बल्ब जलेगा वो मेरा कंडेंसर होगा, और जिस पे ज़्यादा जलेगा वो मेरा कॉमन वायर होगा। तो हम बारीकी आस्था पूर्वक सबको बारी बारी से चेक करते हैं। दोस्तों, इस पे मेरा बल्ब ज़्यादा जल रहा है, रिकॉर्ड कीजिए किसमें ज़्यादा जलता है किसमें कम। इसमें भी बल्ब ज़्यादा जलता है, एक रेड पर देने के बाद और ब्लैक पर देने के बाद बल्ब देखिए, गैस कीजिए बल्ब कितना जलता है, और दूसरा ग्रीन पर देने पर इसमें भी बल्ब ज़्यादा जलता है।
अब हमें ब्लैक और ग्रीन पर देख देखते हैं। दोस्तों ब्लैक और ग्रीन पे हमारा मेरा थोड़ा थोड़ा बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों ये जो दो वायर बचा ब्लैक और ग्रीन, ये मेरा कंडेंसर का हुआ। अब हम इसमें कंडेंसर लगा के देखते हैं कि मेरा फैन सही चलता है कि नहीं। तो ब्लैक और ग्रीन में फिर से कैपेसिटर को जोड़ लेंगे और इसमें फिर से लाइन दे के देखते हैं मेरा फैन चलता है कि नहीं। जिस दो वायर पर सबसे कम बल्ब जलेगा वो मेरा कैपेसिटर का वायर होगा। अब हम चेक करते हैं, कॉमन वायर पे एक वायर सटाएंगे और ग्रीन पे सटा के देखते हैं मेरा फैन चलता है कि नहीं। दोस्तों मेरा फैन तो चल रहा है बट उल्टा चल रहा है। अब हम ब्लैक पर सटा के देखते हैं तो दोस्तों मेरा फैन सीधा चल रहा है। दोस्तों तो इस तरह से आप कॉमन वायर का पहचान कर सकते हैं। दूसरा तरीका यही था और तीसरा तरीका एक और है जो मल्टीमीटर की मदद से आप कॉमन वायर को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास मल्टीमीटर अभी अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन की वजह से मल्टीमीटर दुकान में ही है, इसके वजह से हम तीसरा टिप्स नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए सॉरी। फिर कभी दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, मल्टीमीटर की मदद से हम आपको बताएंगे कि कॉमन वायर का कैसे पहचान किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले और वो भी जाने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटा जो है इसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का नया नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे अच्छा और इससे बेहतरीन वीडियो के साथ।